नमस्कार, हिंदुस्तान न्यूज डेली में आप सभी का स्वागत है। क्या खबर सुनाऊं आपको, जब पूरे देश में खौफ फैला हुआ है। ये खौफ किसी आतंकवाद का नहीं, किसी दंगे का नहीं, ये खौफ है एक वायरस का जिसका नाम है कोरोना वायरस। जी हाँ, आज सुबह से ही न्यूज चैनलों पे सबसे बड़ी हेडलाइन है कोरोना वायरस की। आज सुबह से ही पूरी दिल्ली, पूरा देश इस वायरस के खौफ में है। पूरा देश इस समय हाई अलर्ट पे है इस वायरस के कारण। कुछ दिनों पहले इस वायरस का चीन से पता चला था कि चीन में करीब 2500 से लोग ज्यादा लोग इस वायरस के कारण मारे जा चुके हैं। इस वायरस को रोकने के लिए काफी मशक्कत की गई थी, लेकिन धीरे धीरे करके ये वायरस भारत में प्रवेश आखिरकार कर ही गया। अब तक कुल इस वायरस से एक इंसान की मौत होने की आशंका बताई जा रही है, जबकि इस वायरस से इन्फ्लुएंस होने वालों की संख्या 24 बताई जा रही है, जिन्हें दिल्ली के छावला स्थित ITBT कैंप में भेजा गया है, जिनकी जांच चल रही है, उनके सैंपल्स टेस्ट हो रहे हैं कि क्या वो इस चीज से इन्फ्लुएंस हैं या नहीं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी पूरी तरीके से देश को आश्वासन दिया है कि किसी को घबराने की जरूरत नहीं है, जल्द से जल्द इस चीज के लिए भारत एंटीडोट तैयार करवाएगा। आइए, इस मौके पर मैं आपको कुछ दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से ये वायरस कहां से निकला और कहां तक पहुंचा। तो चलिए पहले हम देखते हैं क्या है ये वायरस और कितने इस पे संख्या में लोग मारे जा चुके हैं। क्या है कोरोना वायरस? कोरोना वायरस का संबंध वायरस के ऐसे परिवार से है जिसके संक्रमण से जुखाम से लेकर सांस लेने में तकलीफ जैसी समस्याएं हो सकती है। इस वायरस को पहले कभी नहीं देखा गया है। इस वायरस का संक्रमण दिसंबर में चीन के वुहान में शुरू हुआ था। WHO के मुताबिक बुखार, खांसी, सांस लेने में तकलीफ इसके लक्षण हैं। अब तक इस वायरस को फैलने से रोकने वाला कोई टीका नहीं बना है। क्या है इस बीमारी के लक्षण? इसके संक्रमण के फल स्वरूप बुखार, जुखाम, सांस लेने में तकलीफ, नाक बहना और गले में खराश जैसी समस्या उत्पन्न होती है। यह वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, इसलिए इसे लेकर बहुत सावधानी बरती जा रही है। यह वायरस दिसंबर में सबसे पहले चीन में पकड़ में आया था। इसके दूसरे देशों में पहुंच जाने की आशंका जताई जा रही है। क्या है इससे बचाव के उपाय? स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस से बचने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इनके मुताबिक हाथों को साबुन से धोना चाहिए, अल्कोहल आधारित हैंड रब का इस्तेमाल भी किया जा सकता है, खांसते और छींकते समय नाक और मुंह रुमाल या टिश्यू पेपर से ढककर रखें। जिन व्यक्तियों में कोल्ड और फ्लू के लक्षण हो उनसे दूर बनाकर रखें। अंडे और मांस के सेवन से बचें, जंगली जानवरों के संपर्क में आने से बचें। तो ये थे सारे बचाव और उसके लक्षण, जो कि कोरोना वायरस के संक्रमण में आने के बाद लोगों को होते हैं। मैं आपको हमारे माध्यम से बताना चाहूंगा कि कोरोना वायरस में अब तक चीन में 3000 से भी ज्यादा लोगों की मृत्यु हो चुकी है। वहीं इस पूरे वायरस की चपेट में कुल 70 से ज्यादा देश अब तक आ चुके हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने पूरे 70 देशों में इसे एक इमरजेंसी के तौर पर, खतरनाक वार्निंग के तौर पर लगा दिया गया है। वहीं अगर हम बात करें हमारे भारत की, तो हिंदुस्तान के अंदर इस बीमारी को रोकने के लिए अधिकारियों के बीच में टेंशन का माहौल बन गया है। स्वास्थ्य अधिकारियों के लिए चिंता सिर से ऊपर पहुंच चुकी है, क्योंकि इसे फैलने से रोकना उनके लिए काफी चुनौतीपूर्ण होगा। वहीं WHO भी सभी देशों के साथ मिलकर इस वायरस का एंटीडोट तैयार करने के लिए अपनी जरा जगह पे लैब में टेस्टिंग कर रही है। जैसा कि हमारी वीडियो में हमने बताया कि कैसे इसके लक्षण होते हैं और कैसे ये फैलता है, आप पूरी सतर्कता बरतें ताकि आप इस बीमारी से दूर रह सकें और कोरोना वायरस की चपेट में ना आएं। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, लेकिन जहां भी जाएं सुरक्षित तरीके से जाएं, मास्क लगा के जाएं और बाहर
हाथ मिलाने की अंग्रेजी रिवाज को छोड़कर हिंदुस्तानी रिवाज नमस्ते से शुरुआत करें, ताकि ये वायरस आपके हाथ से होकर आपके शरीर में ना फैले। आज के लिए सिर्फ इतना ही। ऐसी कोरोना वायरस की खबरें लेके लेटेस्ट अपडेट के साथ हिंदुस्तान न्यूज डेली आता रहेगा। आप प्लीज हमारे बेल आइकन और सब्सक्राइब बटन को भी दबा दें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अब तक अगर हमारे फेसबुक आइकन पे आपने प्रेस नहीं करा है, तो वहां पर भी जाके चेक कर लें, वहां पर भी हमारी अपडेट आती रहती है। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। सुरक्षित रहिए और स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।